तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी ट्रिक वगैरह होती है, नया अपडेट वगैरह आता है, तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत अपन बात करेंगे कि जो टोमेटो के अंतर्गत जो आपका लीफ कर्ल वायरस की समस्या देखने को मिलती है, तो उससे कैसे रोका जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो उसके विस्तृत स्टेप बाय स्टेप उनकी बात करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह टमाटर की फील्ड के अंतर्गत जो आपको लीफ कर्ल वायरस है, या फिर आप उसे येलो लीफ कर्ल वायरस भी बोल सकते हो, तो वो आपको देखने को मिलता है। जिससे करते हैं सबसे पहले के लक्षणों की, कि आपको लीफ कर्ल वायरस के क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप अगर फील्ड के अंदर विजिट करते हो, तो फील्ड के अंदर जाके देखोगे या ऑब्जर्व करोगे, तो उसके अंतर्गत काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि आपको पौधे के पीले पत्ते दिखाई देंगे, इसके अलावा जो उनके पत्ते होते हैं वो ऊपर की ओर घूमे हुए साइज़ के अंतर्गत दिखाई देंगे। ये मुख्य सिम्टम्स होते हैं आपके जो लीफ कर्ल वायरस है, जो कि आपके टोमेटो के अंदर लगते हैं और चिल्ली के अंतर्गत भी देखने को मिलता है। जैसे ही इस वायरस का प्रकोप होता है, तो उस प्लांट का क्या होता है कि ग्रोथ होती है या विकास होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर नहीं पाता। इसके अलावा जो कि उसके अंतर्गत जो फ्रूटिंग होने वाली थी या फ्रूट लगने वाले थे, उनकी संख्या के अंतर भी काफ़ी कमी देखने को मिलती है। तो ऑब्वियसली बात है कि जैसे आप देखोगे कि फलों के अंतर्गत भी कमी दिखाई दे रही है, पत्ते भी पीले हो रहे हैं, साथ साथ ही उनकी पत्तियाँ क्या होती है कि मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये ऑब्वियसली बात है कि ये आपके लीफ कर्ल वायरस के ही लक्षण होने वाले हैं। इसके अलावा मैं बात करूं कि यह अंकुरित अवस्था में ही, जैसे कि अंकुरित होने वाली अवस्था पर नई पत्तियों के विकास को रोक देता है। जैसे कि आपके पास में पौधा है, जैसे कि उसका अंकुरण होगा तो नई नई पत्तियां निकलेगी, उनका विकास को भी क्या कर देता है, रोक देता है। जिससे कि आप अगर पौधे को देखोगे तो वो एक तरीके से आपको झाड़ी नुमा दिखाई देगा। तो ऐसे भी आप सिम्टम्सों के पता लगा सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूं, जो पत्तियां होगी वो टेढ़ी मेढ़ी होगी और उनके ऊपर झुर्रीदार रेसे आपको दिखाई देंगे। इनके अंतर्गत जो लीफ कर्ल वायरस होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार ऐसे पत्तियां घूम जाती है, तो क्लोरोफिल की भी कमी हो जाती है, जिससे पौधा की अच्छे से भोजन नहीं बना पाता। उससे क्या होगा कि पौधे की डेथ हो जाती है या प्लान अच्छे से नहीं कर पाता है। इसके साथ साथ ही इसके अंतर्गत आपको क्लोरोसिस भी देखने को मिलता है, उसके किनारे क्या होंगे, मुड़कर ऊपर की ओर आ जाते हैं। तो मैं बता दूं कि यह वायरस होता है, तो वायरस का नाम क्या होता है, तो इस वायरस का सामान्य नाम टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस होता है। साथ साथ ही मैं बात करूँ, जो लीफ कर्ल वायरस होता है, इसका कोई इलाज नहीं होता। तो आप लोगों को बता दिया मैंने कि लीफ कर्ल वायरस का कोई इलाज नहीं होता। इसके अलावा मैं बात करूँ कि अपन इसके लिए कल्चरल प्रैक्टिस या कुछ कर सकते हैं कि उसके संक्रमण को रोक सकते हैं, या जो जिसके द्वारा फैल रहा है तो उसका कंट्रोल किया जा सकता है। तो सामान्य तौर पर आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा कि जो भी वायरस जनित रोग है वो किसी ना किसी माध्यम से स्प्रेड होता है या एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही के अंदर कोविड से अभी देश अपना गुजरा है, पूरा संसार पूरा विश्व इस महामारी से गुजरा है। तो उसके अंतर्गत भी जैसे कि कोरोना वायरस था, तो वो एक जगह से दूसरी जगह फैलता था, तो उसके लिए कुछ माध्यम चाहिए होता था, या तो वो हवा के द्वारा जा रहा था, या किसी इंसान के छूने से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा था। तो विषाणु से जो भी रोग होते हैं उनको फैलाने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है या वेक्टर की आवश्यकता होती है। टमाटर के अंतर्गत भी लीफ कर्ल वायरस लगता है, तो उसको भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए उसको आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए जो उत्तरदायी होता है वो कीट होता है, जो आपका बेमेसाई टेबेसाई, जिसे कि आप सफ़ेद मक्खी कह सकते हो या सफ़ेद मक्खी अपन कहते हैं। तो सफ़ेद मक्खी क्या करती है कि जो लीफ कर्ल वायरस है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देती है। जैसे कि आपको कोमल या फिर मखमली पौधे दिखते हैं तो वो आकर्षित होती है, उसके नीचे से रस चूसती है सफ़ेद मक्खियाँ, और फिर वो सफ़ेद मक्खी रस चूस के दूसरे पौधे के पे जाती है, तो वो क्या करती है अपने साथ उस वायरस के स्प्रेड हो जाता है या रस को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देती है। तो इसका मुख्य वेक्टर कौन सा होता है, तो पेमेसाई टेबेसाई या सफ़ेद मक्खी। और एक इससे क्या कर सकते हैं कि जैसे कि सफ़ेद मक्खी है, उसकी आबादी को कम करके भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके रासायनिक नियंत्रण की मैं बात करूँगा। रासायनिक नियंत्रण के अंतर्गत अपन जो पायरेथ्रम परिवार के जो कीटाणुनाशक आते हैं, इनको क्या करेंगे, मिट्टी में डाल देंगे, और इसके अलावा जो कि अंकुरण काल होता है उस समय अपन इनका छिड़काव भी कर देंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो आपकी वाइट फ्लाई वगैरह है या सफ़ेद मक्खी वगैरह है, उनका वहीं पर कंट्रोल किया जा सकता है कुछ हद तक। मिट टाइम के अंतर्गत करना चाहिए, ज़्यादा अगर प्रयोग करते हैं इससे तो वो क्या हो जाती है कि उनके अंतर्गत प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है, तो इनको काफ़ी हद तक नियंत्रण में ही काम में लेना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूँ कि अगर
कीटनाशकों की या कीटनाशक के अंतर्गत अपन क्या यूज़ कर सकते हैं इस वायरस को रोकने के लिए। या मैं बात करूँ एसिडामिप्रिड आपके 20 SP जो कि 100 ग्राम या फिर थाइमेजाम, जो थाइमेजाम होता है उसका 25% जो कि आपको 80 ग्राम है ना, वो आपको 150 से 200 लीटर के अंतर्गत मिक्सर बनाने ना है। मिक्सर बनाने के बाद भी के अंतर्गत एक एकड़ के लिए आप उसको स्प्रे कर सकते हो, जिससे कि काफ़ी हद तक आप लोगों को जो आपका लीफ कर्ल वायरस है या फिर आपके जो बेमेसाई टेबेसाई है इनसे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल देखने को मिलता है। अब ये होता कैसे है या किससे हुआ है, तो यह ना तो बीजों से होता है, अगर आप लोगों को बता दूं कि ना तो यह बीजों से होता है ना ही किसी यंत्र या औजारों से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। तो मैंने यह चीज़ पहले ही बता दिया है कि वायरस को फैलाने के लिए एक वेक्टर की ज़रूरत होती है, वही वेक्टर आपका काम कर रहा है सफ़ेद मक्खी आपके इसके अंतर्गत। सफ़ेद मक्खी आपके पौधे के निचले हिस्से पर या कोमल हिस्सों को देखकर आकर्षित होती है और वो वहाँ से भोजन ग्रहण करती है। तो वहाँ से जैसे ही वायरस लगता है उसके साथ में और वो दूसरी जगह जाके बैठती है तो वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देती है। यह पूरा साइकिल 24 घंटे के अंतर्गत आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि मुख्य कारक एक आप लोगों का यह भी देखने को मिला है कि लीफ कर्ल वायरस का उग्र रूप कई बार उच्च तापमान होने के कारण, साथ साथ ही जो सूखे की समस्या होती है या सूखा मौसम होता है उसके अंतर्गत भी काफ़ी देखने को मिलती है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि जो आपका कवर्ड एरिया होना चाहिए या फिर जो आपकी नर्सरी वगैरह है या जो फील्ड है वो कवर्ड होना चाहिए, जिससे कि इन कंडीशनों से बचाया जा सके। इसके अलावा मैं बात करूँ कि रोकथाम, पहले एक चीज़ तो आती है आपके सामने, प्रतिरोधक किस्मों का यूज़ करना चाहिए। अगर प्रतिरोधक किस्में यूज़ करोगे तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि लीफ कर्ल वायरस का प्रकोप नहीं होता। सफ़ेद मक्खी की संख्या को कम करने के लिए आप अर्ली सोविंग कर सकते हो या फिर जल्दी बुआई कर सकते हो। इसके साथ साथ ही आप जाल का प्रयोग कर सकते हैं जो कि आपके फील्ड को कवर कर सके, जिससे कि आपके बाहर से कोई सफ़ेद मक्खी या फिर कोई इंसेक्ट वगैरह इसके अंतर्गत प्रवेश ना कर सके। सफ़ेद मक्खी के जीवन चक्र को तोड़ने के लिए अपन पलवार या जिसे मल्च कहते हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मल्च करके भी काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ साथ ही अपने फील्ड के अंतर्गत येलो ट्रैप जरूर लगाए। उससे क्या होता है कि येलो ट्रैप के ऊपर जैसे ही येलो ट्रैप दिखता है तो वाइट फ्लाई उसके आप ऊपर आकर बैठती है और वो उससे चिपक जाती है। तो येलो ट्रैप के माध्यम से भी अपन आराम से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक मुख्य चीज़ इसके अंतर्गत, अगर आप लोगों को कम संख्या के अंतर्गत अगर पौधे आपके फील्ड के अंतर्गत कम संख्या के अंतर्गत घर्षित पौधे दिखते हैं तो आप लोगों को उसे उखाड़ कर और खेत से दूर जाकर उसे जला देना चाहिए या फिर उसे मिट्टी के अंतर्गत दफना देना चाहिए। इसके साथ साथ ही मैं बात करूँगा कि जो आपके खरपतवार हैं उनको भी उसके अंतर्गत फील्ड में ना होने दें और आसपास वाली जगह पर भी खरपतवार का मुख्यतः ध्यान रखेगी। इसके कटाई के पश्चात जो अवशेष वगैरह बचते हैं तो टिलेज ऑपरेशन के माध्यम से या फिर गहरी जुताई करके उसको नीचे दबा देना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर टमाटर की खेती से रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरीज वगैरह है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उसका वीडियो अपन नेक्स्ट टाइम प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।